इसको, इधर वायर टूटा था थोड़ा पूरा कनेक्शन, इसको इसे आप मोटर खोले देखा एम का प्रॉब्लम है, मैं इधर चेक कर रहा हूँ, देखो और एक सेंसर चेक कर रहा हूँ। ब्लैक में रेड डालना है और नीचे का सेंसर चेक करना है। ये देखो ये उसका फ्रिक्वेंसी दिख रहा है 625, तो येलो सेंसर का 625, ये दो सेंसर तो ओके है, और तीसरा अपना ब्लू वाला सेंसर है वो अभी फ्रिक्वेंसी नहीं दिखा रहा है, देखो मैंने लगाया लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं दिखा रहा है। जैसा मैं इधर नीचे भी चेक करता हूँ सेंसर प्लेट पे, ये देखो ये अपना ब्लू वाला सेंसर है, ये देखो इधर बराबर 625 दिखा रहा है, यानी वो ओके है। ये भी ग्रीन वाला भी ओके है, 624 दिखा रहा है, येलो वाला, ये तीन सेंसर ओके दिखा रहा है इधर, यानी अपने सेंसर प्लेट में कुछ गड़बड़ नहीं है। ये गड़बड़ वायर में हो सकता है, वायर, ये जो वायर है ये ब्लू वाला, ये वायर में कुछ प्रॉब्लम रहेगा। मैं अभी वायर चेक करूँगा, कंटिन्यूटी से ही चेक करता हूँ। ये देखो ब्लू वाला वायर इधर मैं लगाता हूँ कंटिन्यूटी, और इधर नीचे लगाता हूँ, समझो कंटिन्यूटी आवाज़ दिया तो समझ लेना अपना वायर ओके है। ये देखो आवाज़ नहीं दे रहा, आवाज़ दे रहा है कि ये मोटर का जो प्रॉब्लम हुआ था कि उधर आपको हमें सिग्नल नहीं आ रहा था, इधर डैमेज वायर नहीं दिख रहा था, लेकिन वायर ये देखो इधर अंदर ही इधर डैमेज हुआ था वायर, तो मैंने ढूंढ निकाला उसको, इधर अंदर डैमेज हुआ था शायद, ये येलो वायर भी थोड़ा सा डैमेज है, वो भी खोल के देखता हूँ अभी, इतना खोला है तो। अभी देखो मैं अभी आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ये अपना इधर लगाता हूँ, ये देखो अभी ये अपना येलो सेंसर, उसके बाद में ग्रीन, और ये ब्लू सेंसर है, देखो इधर मैंने अभी कट किया है ना, इधर से दिखा रहा हूँ 628, यानी अभी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं है क्योंकि उधर डैमेज था, इसके लिए उधर आगे करंट नहीं आ रहा था, ये अंदर ही अंदर डैमेज था, मैंने ढूंढा उसको। कभी कभी ऐसा होता है, अभी फिलहाल तो मोटर खोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मोटर खोलने के बाद ही पता चला है आप उनको कि वायर का प्रॉब्लम है। मैं अभी वायर भी कुछ चेंज करने जा रहा था तो प्रॉब्लम नहीं मिल रहा था, अरे वायर चेंज करने वाला था क्योंकि वायर का इशू हुआ तो मालूम था, लेकिन वायर बराबर दिख रहा है, लेकिन इधर कैसा है अभी जो थोड़ा सा डैमेज दिखा इसलिए मैंने खोला। अभी कौन सा वायर भी डैमेज है वो भी चेक करने वाला हूँ मैं इधर, अभी अपना पावर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखो कैसा वायर हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, अभी तो है ये वायर ठीक है। अभी जो ये अभी आपको सब मालूम है, अभी हर दिन आपका मेरा मोटर का वीडियो आते रहता है, अभी मैं इसको पूरा काम करके आपको गाड़ी पे लगा के ही दिखाऊंगा क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता ये सब शूटिंग वीटिंग करने के लिए, ये शूटिंग करते रहेगा तो मेरा काम रह जाता है वैसे ही। ये देखो मैंने अभी लगा दिया है मोटर, उसका खाली टेम्प्रेरी लगा दिया है, अभी गाड़ी चालू कर देता हूँ। वायर का प्रॉब्लम हुआ था, एम प्रॉब्लम आ रहा था इधर, तो चलो ये देखो गाड़ी चालू हो गया। ये वायर के डैमेज होने से भी एम आता है, ये कस्टमर सबको बताना है क्योंकि वायर भी कभी कभी, पहला वायर ही चेक करना है उसके बाद में ही मोटर खोलना है, लेकिन आज मेरा कैसा गलत फहमी हो गया क्या समझ में नहीं आया मुझे। वायर मैंने चेक किया था लेकिन मुझे वो डैमेज मिला नहीं था, फिर बाद में सेंसर चेक करने के बाद पता चला कि वायर का ही प्रॉब्लम है, तो अभी मैंने मोटर खोल दिया और ये प्रॉब्लम अभी शॉर्ट आउट हो गया। थैंक यू गाइस, आप मेरा वीडियो देखते रहो, एंजॉय करो।